नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्र एक बार फिर स्वागत करता हूँ आप सभी का यूट्यूब चैनल योगा साथी पर, जहाँ पर आपको योगासन से रिलेटेड लगभग सभी जानकारी जानने को और सीखने को मिलती है। देखिए दोस्तों, पिछली दो वीडियो में हमने बिगनर्स के लिए और इंटरमीडिएट प्रैक्टिशनर के ऊपर हिप ओपनिंग के ऊपर बात करी कि किस तरीके से हम कौन कौन सी प्रैक्टिस को करके अपनी हिप ओपनिंग को एक मैक्सिमम लेवल तक इंक्रीज कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में दोस्तों, मैं आप लोगों को हिप ओपनिंग के ऊपर वो एडवांस प्रैक्टिस बताने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपकी जो हिप ओपनिंग है एक वो एडवांस लेवल तक ओपन हो सके और आपके जो भी आसन हैं हिप ओपनिंग से रिलेटेड एक वो प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ और एडवांस लेवल तक आप स्ट्रेच कर सको। हिप ओपनिंग दोस्तों बहुत जरूरी है। बहुत सारे आसनों में हिप ओपनिंग की कमी की वजह से हम प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं दे पाते, प्रॉपर स्ट्रेच नहीं दे पाते, इसलिए हिप ओपनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर दोस्तों इससे पहले की दो वीडियो आपने नहीं देखी तो वीडियो की जो लिंक है वो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पर आप चेक कर सकते हैं और देखकर सीख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को चलिए फिर शुरू करते। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रैक्टिस। फर्स्ट प्रैक्टिस में दोस्तों हमें किस तरीके से करना है, देखिए हमें सिंपल इस तरीके से स्टैंड होना अपने नी के ऊपर, उसके बाद एक लेग को बाहर की तरफ इस तरीके से रखना है, ठीक है। टो जो होंगे वो ऊपर की तरफ स्ट्रेच होंगे, नीचे कर सकते हैं लेकिन अगर ऊपर करोगे तो हिप ओपनिंग में थोड़ा सा हेल्पफुल रहता है। उसके बाद दोस्तों अपने धीरे धीरे इस जो 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 सा लेग आपका स्ट्रेट है उसको धीरे 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 इस तरीके से बाहर स्लाइड करना है और ट्राई टू ओपन, ठीक है, इस तरीके से नीचे जाने की कोशिश करना है। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बहुत ज़्यादा जरूरी हैं, देखिए समझने की कोशिश कीजिए। जब आपका एक लेग नीचे है और दूसरा लेग स्ट्रेट है तो जो हिप है वो नी से लेकर यहाँ तक बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए, ये पीछे की तरफ नहीं जाना चाहिए, ये बिल्कुल स्ट्रेट जाना चाहिए और उसके बाद हमें स्लाइड करना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब आप जब स्लाइड कर रहे हो और हाथों को आगे रख रहे हो तो ये बॉडी जो है वो ऐसे आगे नहीं जाना चाहिए, वो बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए, ना पीछे ना आगे, ठीक है, इस तरीके से रखना है। तीसरी चीज दोस्तों, जब हम ये स्लाइड कर रहे होते हैं जो हिप वाली पोजीशन होती है, जोन सा लेग हमारे स्ट्रेट होता है उस तरफ का हिप्स हमारा पीछे चला जाता है और जो दूसरा वाला लेग का हिप होता है वो आगे आ जाता है और हमारा अलाइनमेंट खराब हो जाता है और हम आसानी से कर लेते हैं। जब हमारा ये अलाइनमेंट खराब हो जाता है दोस्तों, जब हमें लगता है कि हमने आराम से नीचे बैठ गए, लेकिन वो गलत है। जब आपका लेग्स इस तरीके से है और जो हिप वाला और पेल्विक वाला पोर्शन है उसको दोनों पोर्शन को बराबर रखना है, यानी एक हिप्स को पीछे या एक हिप्स को आगे करके नहीं करना। अगर आप ऐसे करते हैं तो हिप की ओपनिंग अच्छे से नहीं होगी, तो ध्यान रखें इस चीज़ का। बस आपको हिप की अलाइनमेंट बिल्कुल सीधे स्ट्रेट रखनी है, पेल्विक वाले पोर्शन को हल्का सा स्ट्रेच करके रखना है और धीरे धीरे इस पोर्शन को इस तरीके से स्ट्रेच करना है और जितना आप स्ट्रेच करते जाओगे हिप में उतना स्ट्रेच मिलता जाएगा, जो कि आपकी हिप ओपनिंग के लिए बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है, ठीक है। दोस्तों अब बात करते हैं सेकंड प्रैक्टिस। सेकंड प्रैक्टिस थोड़ी सी एडवांस है, थोड़ा सा ध्यान से करने की कोशिश करना, ठीक है। देखिए उसमें क्या करना है, एक बार मिडल स्प्लिट की पोजीशन से ट्विस्ट होकर साइड स्प्लिट में आना और साइड स्प्लिट की पोजीशन से अगेन ट्विस्ट होकर मिडल स्प्लिट की पोजीशन में आना, इस तरीके से। देखिए मान लीजिए आपने इस तरीके से स्ट्रेचिंग खोल लिया, अब क्योंकि बिगिनर्स की क्या होगा कि बहुत ज्यादा स्ट्रेचिंग नहीं खोलती, तो कोई बात नहीं, वो यहीं पर कर सकता है। यहीं से ये टर्न होना है, ठीक है, और ये आए फिर ये टर्न हुए, ठीक है। ये अब जो उनसे एडवांस प्रैक्टिशनर पूरी स्ट्रेचिंग खोल सकते हैं वो देखिए इस तरीके से पूरी स्ट्रेचिंग खोलेंगे, एक हाथ को पीछे की तरफ एक हाथ को आगे की तरफ रखेंगे, यहाँ से हल्का सा ऊपर उठ के ये ट्विस्ट करेंगे, ये ठीक है, ट्विस्ट होकर साइड स्प्लिट के, और यहीं से फिर हल्का सा उठेंगे और ये ऊपर नीचे बैठेंगे, फिर यहाँ से दूसरा पैर रखा और ये किया, ये जो होगा इससे कि आपकी हिप ओपनिंग बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की ओपन होगी। लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है दोस्तों, जिनकी स्ट्रेचिंग अभी अभी खुली है, अभी अभी 180 हुआ है, या फिर जो कि अभी कंफर्टेबली बैठ नहीं सकते 180 मिडल स्प्लिट में, वो इस चीज़ की प्रैक्टिस एकदम से ना करें, क्योंकि अगर एकदम से करते हो तो जो यहाँ के जॉइंट है वो ज़्यादा स्ट्रेच हो जाते हैं और इसकी वजह से जो होता है बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसलिए थोड़ा दोस्तों क्या करना है, अगर आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो तो जो हाइट जितनी नीचे होगी और जितना ज़्यादा ट्विस्ट करोगे उतना ज़्यादा स्ट्रेच है, लेकिन जो अभी 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 जिनकी 180 हुई है या फिर इन जिनकी ये थोड़ी ज़्यादा है, वो क्या करेंगे दोस्तों, हल्का सा बॉडी को ऊपर उठाएंगे फिर ट्विस्ट होंगे, हल्का सा ऊपर उठाया फिर ट्विस्ट हुए, फिर हल्का सा ऊपर उठाए फिर ट्विस्ट, यानी थोड़ा सा अगर हाइट देके करोगे आसान है, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ करोगे धीरे 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 अपने जो लेवल को नीचे करते जाओगे, मतलब जो आपकी स्ट्रेचिंग है, स्ट्रेचिंग का जो लेवल है उसको धीरे 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 नीचे लेकर जाओगे, उसके बाद करते रहोगे तो ये फिर काफ़ी अच्छा आपकी हिप ओपनिंग दे सकता है। एक बार फिर से दोस्तों कैसे करना है, देखिए 180 खोलने की कोशिश करना है और यहाँ से थोड़ा सा ऊपर उठना है और ये ट्विस्ट होकर साइड स्प्लिट की पोजीशन में आना है, सेम यहाँ से ऊपर उठना है और इस तरीके से आप दूसरी साइड में आ सकते हैं और इस तरीके से आप अपने हिप ओपनिंग को एक अच्छे लेवल तक स्ट्रेच
कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं थर्ड प्रैक्टिस। थर्ड प्रैक्टिस हमें खड़े होकर करना है। इसमें हमें थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ें, इसमें दो आसनों को इंक्लूड करना है ताकि आपकी हिप ओपनिंग और ही अच्छे लेवल तक हो सके। एक उड्डयन आसन को और वहां से फिर आप कर सकते हैं नटराज आसन। एक बार देखिए और समझिए कैसे करना है। एक बार आप वॉल के सपोर्ट से बता देते हो दोस्तों, एक हाथ को इस तरीके से वॉल के सपोर्ट में ले सकते हैं, दूसरे हाथ से अपने टो को इस तरीके से पकड़ेंगे और इसको स्ट्रेच करेंगे। अब यहीं से मोड़ना है और यहीं से अपने हाथों को ट्विस्ट करना है और ये लेकर आना है। फिर वापिस ये लेके गए, ये उसके बाद ये। अब जितना मूवमेंट्स दोगे ना दोस्तों हिप्स की, जितनी मूवमेंट्स दोगे, अब यहीं से आप ना त्रिविकारासन की पोजीशन में भी कर सकते हो। मान लो आप इस तरीके से ये पकड़ा, ये स्ट्रेच किया, वापिस आए, यहीं से इसको बाहर की तरफ से पकड़ा और यहां से अपने ये रोटेशन दी। यानी आप अच्छे से अगर आप इसको स्ट्रेच करोगे और बाहर की तरफ से जितना घुमाकर ऊपर लेकर आओगे, हिप में उतना ही फ्लेक्शन जाएगा, उतना ही एक्सटेंशन जाएगा, उतनी ही स्ट्रेचेज जाएंगे, जिससे कि आपका जो हिप ओपनिंग है वो अच्छे लेवल तक हो सकता है। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ दोस्तों, आपने ये पकड़ा अंगूठे को और ये स्ट्रेच किया, ठीक है, यहीं से आपने आते हुए हाथ को रोटेट किया और ये स्ट्रेच किया, ठीक है। यानी एक बार उड्डयन बंद किया, सॉरी यानी आपको एक बार आगे उड्डयन आसन की पोजीशन में स्ट्रेच करना और यहीं से आगे पीछे लेकर आकर आपको एक बार नटराज आसन की पोजीशन में स्ट्रेच करना। और जितना आप स्ट्रेचेस दोगे उड्डयन आसन में भी और जितना ही नटराज आसन में, उतनी ही अच्छी तरीके से आपके जो हिप ओपनिंग है वो मैक्सिमम लेवल तक हो सकती है। दोस्तों अब बात करते हैं फोर्थ प्रैक्टिस। फोर्थ प्रैक्टिस देखिए किस तरीके से करना है। वॉल के सपोर्ट में करना है और त्रिविकार आसन की पोजीशन में करना है। अगर इससे पहले की तीन प्रैक्टिस आपने अगर अच्छे से कर ली तो फोर्थ प्रैक्टिस आप आराम से कर सकते हैं। देखिए क्या करना है, सिंपली एक पैर को ऊपर उठाना है और इसको दीवार के ऊपर इस तरीके से रखना है, ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेचिंग खोलने की कोशिश करना। अगर एक हाथ को आप पीछे भी रख सकते हो, आगे भी रख सकते हो, अगर ये हाथ से पकड़ा नहीं जाता तो इसको यहीं पे भी रख सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, हिप्स की पोजीशन आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, नीचे वाला लेग बहुत बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और इसको आगे पीछे आगे पीछे। जितना आप पुश करोगे दीवार की तरफ उतना ज़्यादा आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स में और साथ के साथ हिप की ओपनिंग बहुत ही अच्छे से अच्छे लेवल तक हो सकती है। एक बार दोस्तों आपको मैं हल्का सा बैक साइड भी दिखा देता हूँ कि किस तरीके से करना है। देखिए इस तरीके से खड़े होंगे हम, एक पैर को ऊपर उठाया, यहाँ पे रखा, ठीक है, दूसरे हाथ से पकड़ने की कोशिश करना। अगर नहीं पकड़ सकते तब भी कोई बात नहीं, आप इस तरीके से हाथ रख के ये भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि ऊपर वाले पैर को इस तरीके से पकड़ सके। हाथ का सपोर्ट आप ऐसे भी ले सकते हैं और हिप को जो है वो आगे पीछे पीछे आगे पीछे इस तरीके से आप आगे पीछे करना है, जिससे कि जो है आपकी हिप की एक अच्छे लेवल तक स्ट्रेचिंग हो सके और आपकी जो हिप ओपनिंग है वो एक ऊपर लेवल तक जा सके। दोस्तों हिप ओपनिंग की चार प्रैक्टिस के बाद अब बात करते हैं लास्ट प्रैक्टिस, पांचवी प्रैक्टिस किस तरीके से करना है। ये थोड़ी सी एडवांस है, आप कर सकते हैं, आप देख लीजिए और सीख लीजिए। आपको जो आपकी बार स्ट्रेचिंग जो है वो ब्रिक्स के ऊपर खोलना है। इस तरीके से आपको दो ब्रिक्स के ऊपर इस तरीके से रखना है, अपनी जो डिस्टेंस है वो आप मेंटेन कर सकते हो। एक लेग को उठाए आप सपोर्ट भी ले सकते हो ब्रिक्स रखने में, ठीक है। अब कोशिश कीजिए कि जो एक ब्रिक्स है वो जमीन पे रखें और दूसरा ब्रिक्स मैट के ऊपर रखें ताकि आपको स्लाइड करने में आपको हेल्प मिले। अब कैसे करना है, देखिए दोस्तों एक ब्रिक्स के ऊपर इस तरीके से आप आराम से पैर रखिए, दोनों हाथों के ऊपर वेट को, दोनों हाथों को जमीन पे रखने के बाद अपने वेट को हाथों पे शिफ्ट करते हुए दूसरे पैर को उठाएंगे और ये रख लेंगे, ठीक है। अब मान लो आपको अच्छे से सेट करने के बाद आप अपने पैरों को धीरे 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 यहाँ से इस तरीके से स्लाइड करें, हल्का हल्का हल्का, आप इधर वाले को भी स्लाइड कर सकते हैं, इस तरीके से ये स्लाइड कर जाएंगे। अब क्या करना है दोस्तों, जो वेट आपने हाथों पे शिफ्ट किया था अब धीरे 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 उसको पैरों पे डालना है और धीरे 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 ये अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन। यहाँ पे आप अपने एल्बो को फोल्ड करके भी कर सकते हैं, अप एंड डाउन अप एंड डाउन। अब अपने जो पंजे आपके हैं उसको धीरे धीरे ऊपर उठाने की कोशिश कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इस तरीके से करके अपने हिप ओपनिंग को एक अच्छे लेवल तक कर सकते हैं। अभी दोस्तों ये विदाउट सपोर्ट था, आप सपोर्ट ले सकते हैं ब्रिक्स के ऊपर, अच्छे से पैरों को रख सकते हैं और अपने टो को भी ऊपर स्ट्रेच कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। टो को अगर इस तरीके से रख के करते हो तो और पेल्विक वाले पोर्शन को हल्का सा पुश करके करते हो तो जो स्ट्रेचेस हैं वो और भी क्लियर हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन पांचों प्रैक्टिस को करके अपने जो है हिप ओपनिंग को है वो मैक्सिमम लेवल तक
लेकर जा सकते हैं। तो दोस्तों कैसे लगा वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट में उस आसन का, उस प्रैक्टिसेस का नाम बता सकते हैं जो आप सीखना चाहते हैं, मैं जरूर उसके ऊपर वीडियो बनाकर आपके सभी प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करूंगा। जल्द मिलूंगा दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक इस वीडियो को देखते रहे, अपने सभी दोस्तों में शेयर करें और हाँ सबसे जरूरी इन सभी प्रैक्टिस को कंटिन्यूसली करते रहें। देखिए दोस्तों एक सही प्रैक्टिस, सही टेक्निक प्लस में सही एफर्ट इज इक्वल टू में रिजल्ट। अगर आपकी सही प्रैक्टिस नहीं है, सही टेक्निक नहीं है और सही एफर्ट नहीं है तो आपका जो रिजल्ट है वो नहीं आएगा। इसलिए कोशिश करें कि प्रैक्टिसेस को भी सही रखें, टेक्निक्स को भी सही रखें और एफर्ट को कंटिन्यूसली लगाए रखें सही तरीके, अत्यधिक भी नहीं, बहुत ज़्यादा भी नहीं, लेकिन एक कंसिस्टेंसी के साथ एफर्ट लगाना भी जरूरी है। अगर इन तीनों को आप जब जोड़ दोगे तब जाके आपका रिजल्ट आएगा। इसलिए दोस्तों वीडियो को देखें, सभी दोस्तों में शेयर करें। जल्द मिलूंगा, धन्यवाद।